अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताऊंगा 3D वेयरहाउस टूल के बारे में। सबसे पहले हम स्केचअप ओपन कर लेते हैं और पहले मैं आपको बताता जाऊं कि 3D वेयरहाउस को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 3D वेयरहाउस के अंदर डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट कैटेगरीज के मॉडल्स वहां पे पड़े हुए हैं और वो हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और उनको अपने कोई भी इन्वायरमेंट है या कोई भी मॉडल है उसके अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं, कुछ इंटीरियर के भी हैं, एक्सटीरियर के भी हैं, लैंडस्केप भी है और हमारे पास फर्नीचर भी है, वुडन, तकरीबन सारी कैटेगरीज के मॉडल वहाँ पे हैं। तो हम विंडोज में जाकर 3D वेयरहाउस यहाँ से उसमें जा सकते हैं और यहाँ से भी हम जा सकते हैं 3D वेयरहाउस। तो हम विंडोज में जाते हैं, 3D वेयरहाउस में जाते हैं और मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्ट हो उससे, और जैसे इंटरनेट कनेक्ट होगा वो आपका 3D वेयरहाउस पे चला जाएगा और वहां पर सारे मॉडल्स जो हैं वो आ जाएंगे। अभी हम होम पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने होम पे क्लिक किया 3D वेयरहाउस में, तो ये हमारे पास सर्च ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं और ये सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ गए, जितने भी इंटीरियर के, एक्सटीरियर के बहुत से यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होंगे। इनको हम बहुत इजी, इसके लिए हमें साइन इन करना पड़ेगा। आप अपनी आईडीज वगैरह इसमें डालकर इससे हम आप लॉगिन हो सकते हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी फिर दो कैटेगरीज होती हैं, एक ऑब्जेक्ट आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं अपने स्केचअप में और दूसरा आप उसको अपनी किसी भी डायरेक्टरी में उसकी लोकेशन देकर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये थी एक्सटेंशन 3D वेयरहाउस की। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी और स्केचअप में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल।